आज हम बनाएंगे राम लड्डू। राम लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल। इन सभी दालों को एक बॉल में डाल दे। दालों को अच्छे से धो ले। यहाँ मैं दालों को 3 से 4 बारी धो रही हूँ। इसमें पानी डालकर 4 से 5 घंटों तक भिगने दे। जब तक दालें भीग रही है तब तक बनाते हैं ग्रीन चटनी। एक जार में फ्रेश धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लेमन जूस डालो। नमक और जीरा पाउडर ना भूले। जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं वैसा ग्राइंड कर ले। अब एक कटोरी में दही डालें। अब पीसी हुई चटनी को दही में डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें अब नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था। दालों को भीगे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। इसको अब पीसना है। जार में मूली के पत्ते, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, फिर इसमें भीगी हुई दाल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल ले ताकि ये पिस जाए। जैसा वीडियो में दिखाया गया है उतना पिस ले। अब इस मिक्सचर को बॉल में डाल ले। ये सेकंड राउंड में पीसी हुई दाल है। इस मिक्सचर को अच्छे से फेंट ले। इसमें नमक डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से चला ले। ये रेडी है फ्राई होने के लिए। ध्यान रखें कि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अच्छे से पक जाए इसको निकाल ले। लो जी, रेडी है राम लड्डू। इसको मूली और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।